अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला में शुक्र राशि परिवर्तन को लेकर, यानी जब एक पंच महापुरुष योग राजयोग के अंतर्गत बनने वाला एक मानव योग बन चुका है, निर्माण हो चुका है, गोचर काल में शुक्र राशि वहां पर प्रवेश कर चुके हैं, यानी तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कैसा प्रभाव रहेगा प्रत्येक राशि के लिए, इसकी क्या संभावनाएं हो सकती है, किन किन सेक्टरों के अंदर किन किन लोगों के लिए यह विशेष प्रभावकारी रहेगा, उसको लेकर डिटेल में चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो निवेदन साथ साथ रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और उसके साथ बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस पूरे प्रोग्राम को कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इस क्रम में हम राशियों के हिसाब से, प्रत्येक राशि के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यह समझ लेते हैं कि आपकी चंद्र राशि के आधार पर कार्यक्रम है। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है, आपकी राशि का पता नहीं है, तो आप अपने चार्ट के अंदर देखें कि जहां पर चंद्रमा लिखे हुए हैं जिस भी अंक के अंदर, वह आपकी राशि होती है। अगर आपको ऐसे पता नहीं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल के अपनी राशि की जानकारी ले सकते हैं। यहां इतना ही नहीं, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम का सही पता नहीं है तो आप बोलते हुए नाम राशि का भी इसको आधार समझ सकते हैं, या फिर कुंडली को आप लग्न के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। गोचर में शुक्र अपनी राशि यानी तुला में प्रवेश कर गए हैं, मानव योग बन गया है 18 तारीख से 10 अक्टूबर तक यहां पर ये स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। 18 सितंबर से लेके श्राद्ध पक्ष आरंभ है, पितरों की कृपा आप पर बनी रहे, देवताओं की कृपा बनी रहे, और 10 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा उसको समझ लेते हैं। जिन लोगों का शुक्र की दशा कुंडली में अंदर चल रहा है उनको विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र के साथ अगर योगियों में उससे पॉजिटिव दशाएं चल रही है तो और भी बल्ले बल्ले हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में, उच्च स्थिति में, मित्र क्षेत्र में जाकर बैठे हैं तो और भी अच्छी बात है। नवांश के अंदर भर्गोत्तम होकर के बैठे हुए तो और भी अच्छी संभावनाएं बनेगी। अगर वहां पर थोड़ा प्रतिकूल है तो उसके प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए इसको अपनी कुंडली का फलादेश न मान करके सिर्फ राशि का फलादेश माने। राशि कई बार लोग देखते हैं, लोग समझते हैं कि हमारी कुंडली का फलादेश, ऐसा आप किसी भी राशिफल कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आपकी राशि का नहीं बल्कि गोचर में राशि का प्रभाव को लेकर चर्चा हो रहा है। कुंभ और मीन राशि को लेकर चर्चा करेंगे। शुक्र 18 तारीख से यहां पर राशि परिवर्तन करके अपनी तुला राशि में जा चुके हैं। तुला के शुक्र होने के साथ साथ आपकी कुंडली के अंदर जो प्रभाव है यहां पर मीन राशि के लिए, ये आपके कुंडली से मकर राशि के लिए, सॉरी कुंभ राशि के लिए आपके नवम भाव पर जा रहे हैं, जबकि मीन राशि के लिए देखेंगे तो अष्टम भाव पर जा रहे हैं। तो पहले हम मकर राशि को समझ लेते हैं। 7.5 का दौर है, अनेक परेशानियों मध्य यहां पर अनेक जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं अपना घेरा जमाती भी नजर आ रही है। 7.5 आपकी जो है चल रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ये समय यहां पर भाग्य स्थान में रहा आपके जो है शुक्रदेव आ रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि ये चौथे का स्वामी होकर के आ रहे हैं। सुख के भाव के स्वामी के साथ आपका भाग्य भाव पर बैठना, यानी भाग्य से आपका जो है सुख का कनेक्शन होना, ये बहुत विशेष बात है। काफी समय के बाद ऐसे योगों को देखा जाता है, इसलिए कुंभ राशि के लिए अब ये अच्छी खबर भी हो सकती है। आप यहां पर पूरे मेहनत से, पूरे मनोभाव के अंदर, मनोगत भाव से आप अपना कार्य में लगे रहें, पूरी मेहनत करें, आपको पूरी रहमत की यहां पर गुंजाइश देखी जा सकती है, इसलिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आगे बढ़े। मीन राशि के लिए देखें तो आपका अष्टम भाव पर यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। परिश्रम के मालिक होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, रोग ऋण रिपो ये सब चीजें यहां पर आपको, खासकर रोग की बात करें तो शुक्र का अष्टम भाव के अंदर रोग भी यहां पर जो है सता सकता है, जिन लोगों की खासकर कुंडली में शुक्र ऑलरेडी प्रतिकूल है और उन लोगों को यहां पर ये ज्यादा दिक्कत करेगा। जिनकी कुंडली में शुक्र अनुकूल है उनको थोड़ा इसका मध्यम फल रहेगा, इस प्रकार से इसको मिला जुला कर देखना चाहिए। 7.5 का दौर आप पर भी प्रारंभ है, इसलिए इस बात से भी सजग रहें और धीरे धीरे अपने कार्य को लेकर के आगे बढ़ें, परिश्रम करें और भगवती शक्ति का कोई मंदिर जाकर के दर्शन करें। छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको आप कुछ दे सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। नवरात्रि आ रहे हैं, चंडी का पाठ करें, शक्ति पूजन करें और एक अच्छे दौर का लाभ आप इसको इस प्रकार से ले सकते हैं।